गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं भाई, नेचुरल गैस के मंडे के लेवल्स क्या रहेंगे, कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज है ये नेचुरल गैस से, ब्रेकिंग न्यूज कौन कौन सी है, अमेरिकन इलेक्शंस जो इस वीक स्टार्ट होने वाले हैं उसका क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है नेचुरल गैस के प्राइसेस पे, नेचुरल गैस की नवंबर एक्सपायरी का क्या लेवल्स रहेगा, वीकली एनालिसिस क्या होगा नेचुरल गैस का, वो हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे विद टेक्निकल चार्ट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वगैरह। तो बनिए रहिए मेरे साथ। सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे स्मार्ट यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काफी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा मेरे व्हाट्सएप के नंबर दिए रहेंगे। मैं आपको गाइस रिपीट करता हूं, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करिए, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं आएगा। और वही मैसेज करें जो हमसे लर्निंग और ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, वही मैसेज करिए, बाकी ना करिए, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम। नोट कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर 8209719938, ये हमारे व्हाट्सएप के नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि भाई साहब नेचुरल गैस, अभी मेरे वीडियोस देख लीजिए आप, आपको सब पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली हमने अपने ग्रुप में बोला था कि भाई साहब नेचुरल गैस जो ऑप्शन एक्सपायरी में जो भागा था वो नीचे आने वाला है फ्यूचर एक्सपायरी में, और वो हुआ, आपको 200 के नीचे दिखा। फिर हमने बोला कि भाई ये तो अब जो एक्सपायरी है, ठीक है, जो 240-242 से स्टार्ट हुई थी नंबर, मैंने कहा था कि ये शुरू के दो दिन आपको ऐसा रहेगा कि भाई थोड़ा सा अटका के रखेगा, उसके बाद आपको ये नीचे की तरफ दिखाएगा। हमने 228 बोला था, जो भी आ गया, राइट गाइस। गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ एक जनरलाइज आउटलुक होता है गाइस, राइट। काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, डेफिनेटली यू हैव टू चेंज, तो आई कैन नॉट फॉलो अप हियर, मैं यहाँ पे फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा। तो एक जनरलाइज आउटलुक दे रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, सीखिए, वहां पे मेरे साथ जुड़िए, सीखिए, ट्रेनिंग लर्निंग करिए, तब मैं आपको डिटेल में वहां पे बता पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साहब न्यूज कौन कौन सी है, इसका है ना। तो न्यूज पे हम आपको पता ही है, वैसे तो मैं काफी सारे साइट्स वगैरह देखता हूं, किसी को कोई रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यूरोप गैस क्राइसिस इजंट ओवर डिस्पाइट फुल स्टोरेज। काफी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं ना, आपने सोचा होगा सर सर्दी आ गई, सर गर्मी आ गई, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर है कि यूरोप पहले से ही अपने बैंक फुल रखता है एनजी के, ठीक है ना, लेकिन क्राइसिस ओवर नहीं हुआ है। क्योंकि देखो गाइस, आप यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स, राइट, कि भाई यहाँ पे आपको ये भी समझने की जरूरत है कि जो यूरोप ने जुगाड़ किया है, ठीक है गाइस, मैं ऐसे चला रहा हूँ, मेरे को तो बहुत गर्मी लग रही है। यूरोप ने जो जुगाड़ किया है गाइस, वो जुगाड़ आपको क्या लगता है कि क्या किया है जुगाड़, ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए जुगाड़ नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए जुगाड़ अभी वो नहीं कर पाए हैं, तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए किया है, तो वो क्राइसिस ओवर होने वाला, इस न्यूज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फर्दर हो सकता है कोल का इंपोर्ट करे, सो आई डोंट थिंक सो कि इस न्यूज से कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला है, देयर इज नो इंपैक्ट एट ऑल, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस न्यूज को मैं सिरे से खारिज कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी ब्रेकिंग न्यूज और अगर मैं कुछ देखूँ यहाँ पे, तो ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, जो हम क्रूड ऑयल के वीडियोज में बात करेंगे। तो गाइस क्रूड ऑयल का वीडियो तभी आपको मिलेगा और आने वाले वीडियोस तभी आपको मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद वहां बेल आइकन पे घंटी बजा के ऑल दबाएंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन VIP की तरह मिलेंगे, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, ओके गाइस। तो यहाँ पे आप बात कर लेते अमेरिकन इलेक्शंस का क्या इंपैक्ट होगा। आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, यू नो, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, काफी लोग पूछ रहे हैं सर अमेरिकन इलेक्शन की थ्योरी आपकी जबरदस्त बैठती है, सर क्रूड ऑयल में भी आपने जबरदस्त थ्योरी बताई थी अमेरिकन इलेक्शन की। तो गाइज वो थ्योरी नहीं थी, वो प्रैक्टिकल था, स्ट्रैटेजी है, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज हवा में बात नहीं करता। तो देखिए मैं बता देता हूँ अमेरिकन इलेक्शंस का, वापस 2 मिनट का है, आपको मुझे लगता है ये समझना जरूरी है आपके लिए। देखो अमेरिकन इलेक्शन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सिंपल सी बात है, अमेरिकन इलेक्शन जब भी इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चाहती है कि यार हमारा सेंटिमेंट बना रहे अच्छा पब्लिक में, और ये हर कंट्रीज में होता है, राइट। तो उनको अपना बनाने के लिए उनको वो रेपो तो रखना पड़ेगा ना, महंगाई कम करनी पड़ेगी, और अगर ये क्रूड एनजी ऊपर रहे स्पेशली भी क्रूड, तो फिर महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा फंडा सुपर हिट रहा है, मैंने कई बार बोला है, देखो क्रूड ऑयल में मैंने आपको मेरे वीडियोस देख सकते हो आप सारे जाके, नेचुरल गैस के भी, तो मैंने बोला है वहां पे, एंड वही हुआ है, अमेरिकन इलेक्शन से एनजी पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एनजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूरोपियन कंट्रीज, एंड यूरोपियन कंट्रीज
पे उसके माई बाप अमेरिका का हाथ है, आप समझ रहे हैं ना। तो चेन समझ रहे हैं आप, ये समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि एनजीबी नीचे जाएगा आपको आने वाले टाइम में। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर सोमवार को क्या होगा, तो सोमवार को आई डोंट हैव एनी सेकंड थॉट ऑन दैट, ओके। तो अगर मैं सोमवार को, मैं यहाँ पे जैसे चार्ट पे आ जाता हूँ सीधा, ठीक है ना। तो गाइस जैसे चार्ट पे आता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, प्योर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, पहले बहुत गौर से सुनिएगा। दिस चैनल एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, ट्रेनर और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट और रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आई एम एन इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देता हूँ। उसके बाद भी यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात कर ली जाती है, जानने की जरूरत है काइंड ऑफ पेपर बेक टेस्ट, जिसका मतलब है कि हमें अपनी लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज। उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज पे आप रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो वो तो भाई साहब आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी कैसे बन सकती है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जब भी हम चार्ट के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं स्पेसिफिकली 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट। क्यों यार, हम स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, बाद में फ्यूचर में कुछ करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे तो साला हर एक चीज खोद खोद के निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे भाई, खोद खोद के, क्यों ना देखें 1 ईयर का चार्ट भाई साहब, 1 डे टू 1 ईयर का हम तो देखेंगे, ठीक है ना। तो 1 वीक का चार्ट बता देता हूँ आपको। 1 वीक का चार्ट दिखा रहा होगा आपको, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड दिखा रहा है एंड देयर इज अ ह्यूज गैप इज अवेटिंग यू नो हियर विद द 1 वीकली चार्ट। आई थिंक एनीबडी कैन अंडरस्टैंड हु नोज द टेक्निकल चार्ट। मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉल 220 तक का फॉल बहुत इजी तरीके से, देयर विल बी वेरी हाई चांसेस कि मंडे आपको ये 220 के यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाई, डेफिनेटली दिखाए, है ना, बहुत हाई चांसेस है। मंथली चार्ट देख लेते हैं, और मंथली चार्ट में एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना, जो समवेयर आ रहा है मे बी 226 की तरफ आ रहा है, वो सपोर्ट है। बट आई फर्मली बिलीव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा लगता है 220 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सोमवार को ही, ठीक है। तो यहाँ क्वार्टरली भी देख लेते हैं, क्वार्टरली भी सपोर्ट के आसपास है। तो आई थिंक मैं आपको यहाँ पे एक वीकली एक्सपायरी, जो एक्सपायरी का पॉइंट ऑफ व्यू, गाइज मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे एक्सपायरी की बात करता हूँ, आपको समझने की जरूरत है। गाइज मैं यहाँ पे एक जनरलाइज आउटलुक दे रहा हूँ, हो सकता है कल मैं अपने ग्रुप में कुछ अलग बात करूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज मार्केट है, मार्केट में अगर कोई न्यूज आ गई या चार्ट उस तरीके से बन गया या कुछ अलग हो गया, डेफिनेटली यू हैव टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट, अंडरस्टैंड गाइज, ओके, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, राइट। मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, राइट, मार्केट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक जनरलाइज आउटलुक दे रहा हूँ, सैटरडे को मैं 12:30 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, तो उस समय के बाद जो मेरे पास अपडेट्स है उसी के संबंधित मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपको यहाँ पे देना चाहूंगा और दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक्सपायरी में, इस एक्सपायरी में आपको ये 200 के नीचे जाता हुआ काफी हाई चांसेस है कि आपको इसी एक्सपायरी में इजीली, वेरी वेरी इजीली आपको चांसेस यहाँ पे दिखाई दे। और मैंने पहले भी बोला, मैंने फ्राइडे को भी बोला था अपने ग्रुप में, थर्सडे को भी बोला था अपने ग्रुप में कि भाई यहाँ से ड्रास्टिक फॉल होगा, यहाँ पे इस तरह का फॉल नहीं होगा कि थोड़ा फॉल हुआ फिर रिकवर हुआ फिर फॉल हुआ, ऐसा नहीं, ड्रास्टिक फॉल होगा। सो मुझे लगता है कि सून आपको 200 के नीचे जाने के चांसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस एक्सपायरी में, आराम से 200 के नीचे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब प्लेट में है मेरे हाथ में, मतलब बस प्लेट में बस खाना बाकी है उसको, है ना, वो वाली चीज मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है ऑन बेसिस ऑफ चार्ट एंड बेसिस ऑफ न्यूज। अगर न्यूज का एनालिसिस करें तो आई डोंट थिंक सो देयर इज सच काइंड ऑफ न्यूज कि जहाँ पे मैं कुछ बोल सकूँ कि ये डाउन है या नहीं है। वैसे तो देखो ओवर वैल्यूड हो चुका है, आप भी जानते हैं कि ये इतना ऊपर कैसे चला गया है एक्सपायरी के चलते, राइट। अभी यहाँ पे आपके पास चांसेस हैं कि ये नीचे की तरफ आए, ऐसा मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि 200 के नीचे जाने के चांसेस हैं इन दिस एक्सपायरी एंड इन शॉर्ट टर्म एज आई ऑलवेज सेज 160-140 इज ऑलवेज वेटिंग अगेन दैट विल बी वेरी हाई चांसेस हियर, ओके, बिल्कुल ज्यादा चांसेस है यहाँ पे। अब बताते हैं कोई स्ट्रैटेजी, देखो गाइस मैं स्ट्रैटेजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो हमारा ट्रेनिंग जो लर्निंग एंड एजुकेशन वाला जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत हम किए जाते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप कोई भी काम करें प्रोफेशनली, मार्केटिंग या स्टॉक मार्केट या कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ओके, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कौन सा धंधा सिर्फ टेक्निकलिटीज पे चलता है, मुझे बताइए, है धंधा टेक्निकलिटीज में ही, धंधा मैनेजमेंट पे चलता है एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बिजनेस यार मैन, ओके, अगर आप इसको डेली बेसिस करते हैं या जो भी करते हैं जैसे भी, तो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, यू नीड टू ट्रीट दिस, यू नीड टू रेस्पेक्ट मार्केट, राइट। अक्सर लोग मार्केट को रिस्पेक्ट करते ही नहीं है एंड रैंडम लोगों से कुछ भी पूछ लेते हैं, रैंडम चलते लोगों से, यू नो, खुद पढ़ते लिखते भी नहीं है, यू नो, तो अगर आप मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, है ना, मार्केट को भी नहीं, भाई मार्केट भी चाहता है कि भाई हम भी यार
हमको भी समझना जरूरी है, तभी हमसे आप फायदा उठा पाओगे। लेकिन आप मार्केट को चिंदी समझोगे और मार्केट को बोलोगे यार कि हर कोई आदमी मुझे कुछ भी दे देगा और मैं तो कमा लूंगा, अगर ऐसे सोचोगे तो फिर मार्केट भी वैसे ही सोचेगा आपके लिए, राइट? तो गिव रेस्पेक्ट टू मार्केट, अंडरस्टैंड मार्केट, लर्न, गेट अ ट्रेनिंग, गेट एजुकेटेड, ओके, एंड देन स्टार्ट वर्किंग विद दिस मार्केट। सो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉपर प्रोसेस रहेगा एंड दैट मेक्स सेंस, राइट? मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, राइट? तो इस तरीके से आप करिए और मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करता रहूंगा, वीडियोस बना के लोगों को अवेयर करता रहूंगा, जो मेरा काम है अवेयरनेस, ठीक है? एंड फोकस ऑन टेक्निकल चार्ट, स्ट्रैटेजीज, न्यूज वगैरह, एवरीथिंग यू कंबाइंड इट एंड देन लुक एट द यू नो पॉइंट ऑफ व्यूज, कॉमन पॉइंट ऑफ व्यूज, राइट? वो मुझे लगता है आपको परफेक्शन की तरह ले जाएगा। इंटरनेशनल में काफी लोग पूछते हैं, सर इंटरनेशनल बता दीजिए। देखो इंटरनेशनल बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल सा है। मेरे को गर्मी लग रही है आज, बहुत धूप है। 2.66 है, यहाँ पे 2.60 आराम से आएगा वनडे को, ऐसा मुझे लगता है। बहुत आराम से, बहुत तरीके से आएगा, तबीयत से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे, है ना? तो मुझे लगता है कि कोई चांस नहीं कि यहाँ पे स्पाइक हो। देयर इज, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट होता हूँ, मुझे लगता है 1% चांस भी नहीं है मंडे को स्पाइक होने का। और अगर हुआ भी, देखो यू ऑलवेज नीड टू थिंक अबाउट वर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, ओके? आपको, हमें मार्केट है, राइट? हमें हमेशा वर्स्ट कंडीशन पहले सोचनी चाहिए। जैसे हमको भी, मान लो आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचता कि यार रोड ट्रिप पे जा रहे हैं यार, शायद अगर मेरा गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो क्या करूंगा यार, साला पंचर किट ले जाते हैं, सर गाड़ी में हवा कम हो गई तो क्या करूंगा, साला पंप ले जाते हैं, साला गाड़ी का ना कार का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जीरो पर ठुक गई तो एक काम करते हैं, अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर कर लेते हैं यार, ठीक है ना? ये सब हम करते नहीं करते हैं प्लान, राइट? तो हम छोटी छोटी चीजों में जब इतना प्लान करते हैं यार, यू आर टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग्स हियर, राइट? आपके फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा हिस्सा आप यहाँ पे डालते हैं, तो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बनता है, राइट? सो थिंक इन दैट वे, थिंक पॉजिटिव एंड गेट सम एजुकेशन एंड स्टार्ट डूइंग इट विद दिस नाइसफुल एंड नोवल थॉट। दिस इज अजय साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।